हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब लोग ठीक से होंगे। चले मैं हेल्दी चैनल का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, अभी जो हम क्रीम कलर का जो है पीस लेकर के आए हैं और गोल्डन में है, बहुत अच्छा लग रहा है। और इसमें लेस भी जो है यहाँ पे देखें, सारा जो है ला करके रखा है, लेस वगैरह सारा जो है लगाने के लिए। तो सबसे पहले हमें जो है पीछे के पाला जो है निकालना है। तो देखिए अभी जो है हम मोड़ रहे हैं और उसके बाद जो है हम 15 रखेंगे लंबाई। सबसे पहले चौड़ाई नापेंगे हम 10.5। अब सबसे पहले हम ब्लाउज जो है नाप लेते हैं। ब्लाउज को हम नाप करके अच्छे से निकाल लेते हैं कि हमें कितना, मतलब मेरा ब्लाउज कितना है उसी के हिसाब से हम रखेंगे ना। तो हम रखेंगे 10.5 चौड़ाई और लंबाई हम नाप लिए हैं 15। और अब हम गला, कंधा और काखी के पास जो जितना हमें बाजू चाहिए उतना ही हम करके निकाल लेंगे। हमें कितने पीछे जो है 4 अंगुल चाहिए, जितना भी चाहिए। मेरा 5 इंच है, 5 इंच है, तो हमें 6 रखना होगा क्योंकि हमें आधा इंच ऊपर आधा इंच नीचे सिला जाएगा। तो देखें हम पीछे के पाला जो है काट कर निकाल लिए और अब हम आगे के पाला निकालने की जो है हम आगे के पाला निकालेंगे, ठीक है। तो इस जैसे पीछे के पाला हमने निकाला उसी तरीके से जो है अभी हम नाप लेंगे। और कुछ मेरा पट्टी है जो जिसमें लेस दिया है लगा हुआ पट्टी, उसको हम मोड़ देंगे। उससे अधिक का 2 अंगुल और हम मोड़ेंगे क्योंकि हमें पट्टी लगाना है। देखिए यहाँ पे जो है हमने मोड़ा है पट्टी, तो है 2 अंगुल और 2 अंगुल मेरा जो है पीस भी आया है। आप लोग अच्छे तरीके से जो है देख सकते हैं। और हमें एक पला जो है छोटा चाहिए, तभी ना मेरा पट्टी लगेगा। जब हम छोटा काटेंगे नहीं तो हम पट्टी लगाएंगे कैसे। तो चलिए हम जो है खाली से चिन्ह कर चुके हैं, तो अब हम इसको जो है काट लेते हैं। काट करके और उसके बाद जो है हम बाजू वगैरह जो है निकालेंगे। हाँ, तो इसे अभी हम हटाएंगे और पीछे आगे के पाला जो है इसे काट लेंगे। काट करके ये देखिए हम जो है चिन्ह जो हम लगा चुके हैं और अब जो है हम इसे जल्दी जल्दी काट भी लेंगे। और अब हमें बाजू काटना है। बाजू के लिए भी हम मोड़ेंगे और उसके बाद जो है हम बाजू निकालेंगे। बाजू निकालने के बाद अब हम टोपी काटेंगे। टोपी काटने के बाद तो अच्छे से हम कपड़ा जो है पट्टी वगैरह जो हम सारा निकाल लेंगे और उसके बाद जो है फोल्ड करके सारा कपड़ा जो हम रखेंगे। और फिर उसके बाद जो है देखें सारा कपड़ा जो अच्छे से मोड़ कर रखेंगे। और उसके बाद देखिए अभी पट्टी कहाँ गया, अभी पट्टी तो हमने निकाला ही नहीं। तो चलिए अभी जो है अभी मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, तो अभी हम उसमें निकालेंगे गला के कपड़ा, बंधन पट्टी, काज पट्टी, बटन पट्टी। हाँ, तो अभी बच्चे हैं इधर, सब बैठे हुए हैं इस जगह। तो चलिए अभी हमें निकालना है गला पट्टी और काज पट्टी, बटन पट्टी और पट्टी, ये सारा जो है अभी हमें निकालना है। अभी हम निकाले नहीं हैं, मेरे पास जो है कुछ ज़्यादा कपड़ा बचा हुआ है अभी। इसे हम अच्छे से जो है अभी रखेंगे और उसके बाद जो हम सारा कपड़ा निकालेंगे, ठीक। तो चलिए हम जो है कपड़ा जो है 3 तरह का होता है, एक टोपी होता है, एक सादा होता है, एक बॉम्बे कट होता है। तो ये जो है हम टोपी वाला कपड़ा जो है निकाल रहे हैं और निकाल करके और अच्छे से रखेंगे। तो देखिए हम अभी जो हम निकाल चुके हैं और अब जो है पट्टी किधर गया, पट्टी तो मैं निकाला नहीं थे, अब जो है निकाल लिए। अब इसे फोल्ड करके अच्छे से रखते हैं और तो चलिए हम इसे जो है अच्छे से एक जगह जो है अच्छे से रख देंगे और खाली भी रख देंगे क्योंकि बच्चा लोग खाली क्या करता है ना, इधर उधर सब कर देता है।
तो फिर हमें काटने में बहुत परेशानी होता है, मिलता ही नहीं है फिर मुझे। तो एक जगह रखा रहेगा तो काटने में भी आसानी पड़ेगा और खोजना भी नहीं पड़ेगा। ये आगे के पीछे भी जो कुछ चल गया हमें तो समझ में नहीं आ रहा। बचा लो ना मोबाइल में छोड़ देता। आप लोग देखिए आगे जो है, जैसे कि हम किए थे आगे में भी आया और उसके बाद जो है पीछे बाद में। अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम बोले कि क्या बोले, ताकि हम तो कपड़ा निकाल लिए फिर से पीछे से आ गया। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ऐसे कैसे हो गया। अब हम कैसे बताएं, हमें पता नहीं चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये मेरा जो है कैसे हुआ। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और सब्सक्राइब करना मत।